हाय डॉक्टर विमल सर, मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज के बारे में लगातार जानकारी देता जा रहा हूँ। माइकल जे लॉजियर का काम है। अब हम वीडियो नंबर 21 में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम मैनिफेस्टेशन की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात होती है कि हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका कैसे पता लगाया जाए। ये पता लगता है एविडेंस के साथ कि आपने कुछ करना चाहा, वो चीज़ हो गई। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहा, वो हो गया। तो ये आपके पास एक प्रूफ हो गया, एविडेंस हो गया। तो एविडेंस का होना डाउट को कम कर देता है। जैसे जैसे आपका डाउट कम होता चला जाएगा, एविडेंस बढ़ते चले जाएंगे, तो आप देख पाओगे कि ये चीज़ काम करती है, तभी आप इस पर विश्वास कर पाओगे, तभी आप इसको देख पाओगे ये काम कर रहा है। एक बार जब प्रूफ हो जाता है तो आपको पता लग जाता है कि आप कितनी तेजी के साथ इस मैनिफेस्टेशन को, जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसको ला सकते हो। तो अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो आपको याद करना है कि कब कब आपने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट होते हुए देखा है पास्ट में। दूसरी बात है, जैसे कई बार हम प्रिटेंड करते हैं कि एज इफ ये चीज़ हमें मिल गई है, जो हम पाना चाह रहे हैं वो मिल गई है। हम इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं, हम ऐसा बिहेव करते हैं कि ये चीज़ हमें मिल ही गई हो, तो वो चीज़ भी काम करती है। कई बार आप इसको खेल की तरह ले सकते हैं, कई बार एक क्रिएशन की तरह ले सकते हैं, तो ये चीज़ें काम करती हैं। वहीं जब आप शिकायत करते हैं, परेशान करते हैं, तो आपकी फीलिंग इमोशन ख़राब हो जाती हैं और ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट नहीं होता है। अब मैं आपको बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ कि आप इसी समय वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए ऐसा मानिए कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, जो आपके सपने हैं उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं है। अपने दिमाग में उस थॉट को 1 मिनट के लिए सिर्फ आने ही मत दो कि ऐसा संभव नहीं है या असंभव है। 1 मिनट के लिए बस ये मानो कि सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। तो आपको एकदम से एक प्रूफ और एक एविडेंस मिल जाएगा। ऐसे एविडेंस आप कलेक्ट कर सकते हैं और जो पहले से सच हो चुका है मैनिफेस्टेशन, उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं। और ये सारी फीलिंग आपको एक्साइटमेंट देती हैं, अच्छा फील कराती हैं, ग्रेट फील कराती हैं। तो वापस से हम जाते हैं कि फीलिंग का ही खेल है। तो हमने जैसे पहले बात की थी डिज़ायर स्टेटमेंट के बारे में, तो अगर आप अपने डिज़ायर स्टेटमेंट को देखते हो कि आप कैसे पता लगाओ कि आप चाहते क्या हो, तो हमने शुरू के वीडियोस में सीरीज के बात की थी कि आपको पहले देखना है कि आप क्या अपनी लाइफ में नहीं चाहते, फिर आपको उसके उलट लिखना है कि ये मैं नहीं चाहता, इसका मतलब मैं ये चाहता हूँ। तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी कि आप लाइफ में चाहते क्या हैं। वो आपका डिज़ायर स्टेटमेंट होगा। आपको जब जब उसको पढ़ोगे तो आपकी वाइब्रेशन और फीलिंग पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आप चाहते क्या हैं। और जैसे जैसे आप करते जाओगे, आपकी लाइफ में वो बिलीव बढ़ता चला जाएगा, मैनिफेस्टेशन होता चला जाएगा। तो इस टूल का, जो पहला टूल की बात की है, वो ये है कि आपको एविडेंस इकट्ठे करने हैं अपने जीवन में, जिससे आपका डाउट कम हो, आप ज़्यादा बिलीव करें। 1 मिनट की एक्सरसाइज जो मैंने बताई है कि 1 मिनट के लिए शक नहीं करना है, यूनिवर्स पे छोड़ देना है, वो पूरा करेगा आपके लिए सब कुछ 1 मिनट के लिए। फिर उस 1 मिनट के बाद देखो कि आपकी वाइब्रेशन कैसी है। और हम ऐसे मल्टीपल मिनट्स एक दिन में इकट्ठे कर सकते हैं। और डिज़ायर स्टेटमेंट को पढ़ के देखो, उसके बाद देखो कैसी वाइब्रेशन और फीलिंग आ रही है। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, वीडियो नंबर 22।